बोलान में सिंटू बलूचिस्तान नेशनल हाईवे लमजी के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कत्ल के खिलाफ विरसे का कौमी शाहरा पर लाश रखकर टायर जलाकर एहतजाज, फौरी तौर पर कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंटू बलूचिस्तान नेशनल हाईवे लमजी के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कत्ल के खिलाफ मकतूल के विरसे की जानिब से कौमी शाहरा पर लाश रखकर एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जामोट ने शिरकत की। मकतूल के विरसे ने टायर जलाकर कौमी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। विरसा ने एहतजाज करते हुए कहा कि बोलान में आए रोज चोरी और डकैती की वारदात हो रही है, मगर बोलान इंतजामिया ख्वाबे खरगोश में है। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल की वारदात पर कत्ल कर दिया गया, मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अगर कोई मामूली वारदात होती है तो जिले इंतजामिया हमारे घरों पर छापे मारते हैं। इंतजामिया का यक तरफा रवैया नाकाबले बर्दाश्त है। जब तक मकतूल के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। जामोट कौम लावारिस नहीं कि कोई भी आए और कत्ल करके चला जाए। अगर हमने हथियार उठाए तो मुखालफीन की जमीन तंग हो जाएगी और इन तमाम की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। शिरका का मुजाहरे से खताब, हम कमिश्नर नसीराबाद और वजीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए।